जो लोग बुद्ध से घृणा करते थे, आज वो लोग भी भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों को कंधे पर रखे वो जा रहे हैं। और क्योंकि 2019 का जो चुनाव आ रहा है, 2018 का जो चुनाव आ रहा है, वो दिखावा कर रहे हैं। सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को भगवान बुद्ध की 2562वीं जयंती पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो तथागत बुद्ध का जो रास्ता था वो बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रास्ता है, जो सत्य का रास्ता हमें बताता है। केवल भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा रास्ता है दुनिया में जो शांति का संदेश पहुंचाता है। रहा उन मनुवादियों की सोच, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि भगवान बुद्ध के विचार इतने अच्छे हैं कि दुश्मन भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा, ऐसे भगवान बुद्ध के विचार थे। गौतम बुद्ध के जो विचार थे जिनसे नतमस्तक हो जाते हैं वही बताएं। देखिए जैसे कि आपने अंगुली माल का नाम सुना होगा। हाँ, अंगुली माल एक ऐसा कट्टर मतलब डाकू था जिसने 999 लोगों को काट करके और उनकी उंगली अपने गले में पहन लिया था। वो ऐसा कट्टर व्यक्ति भी मतलब भगवान बुद्ध के सामने अपना हथियार त्याग देता, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर हथियार कैसे, अहिंसा से या अहिंसा? नहीं सर, हिंसा तो उन्होंने अपना ही नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाया उन्होंने हमेशा अपने मतलब लोगों को ही अहिंसा के रास्ते से घृणा के को त्यागने की बात कही है भगवान बुद्ध ने, और शांति का रास्ता अपना लोगों को दिया है। तो ये नरेंद्र जी, ये आज जो भारत के अंदर पैदा हुए और भारत के अंदर ये धर्म चला, लेकिन भारत से लुप्त तो होता जा रहा है, लेकिन और देश इसको अपना रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। सर ये देखिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं, दुनिया के 56 देशों में जहाँ पर ये बौद्ध कंट्रियाँ हैं वे बहुत ज़्यादा विकासशील विकसित हो चुकी हैं। सर बौद्ध कंट्री अब बाद में बनी है, पहले बौद्ध धर्म इंडिया का है ना, भारत का ना? हाँ जी, बाद में गया। ऐसा है जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो लोग मतलब अंधविश्वास में जीना चाहते थे, लोगों को भ्रमित किया है इन्होंने। हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भला अपने आप ही ऐसे हो जाए, आपके माध्यम से हो जाए, किसी और के माध्यम से हो जाए। वे ये नहीं सोचते कि अपोदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा कि अपोदीपो भव है, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरे की इच्छा मत करो, दूसरे के पीछे मत जाइए। तो हमारे अंदर खुद ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि हम उस टैलेंट के माध्यम से दूसरों का मतलब भला कर सकें और अच्छे रास्ते पर ले जा सकें। बहुत अच्छी बात। क्या ना